सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। Rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियो। असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड। तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास नगर शहर में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है और इस हमले में युवक गंभीर जख्मी हुआ है, जिसका हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। शहर में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है, जहां बदमाश तो खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, मानो शहर में दहशत निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में सोनू राजू सोदे नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका जवाई सागर शिकलकर ने आरोपी साहिल कुकरेजा को पैसे दिए थे और 8 मई को सुबह 6 बजे के दरमियान उल्लासनगर कैंप एक नेहरू चौक पर यौले चाय के पास की गली में साहिल कुकरेजा से सागर ने पैसे मांगे। इस पर साहिल ने सागर को गाली गलौज की और बोला, मादरचोद, मुझसे पैसे मांगोगे, आज मैं तुझे जान से मार देता हूँ और सब लफड़ा खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलकर साहिल कुकरेजा ने उसके पास रखा चाकू निकालकर सागर चिकलकर को जान से मारने के उद्देश्य से चाकू पेट में घुसा दिया और अतरिया निकाल दी। और वहाँ यह घटना देख रहे लोगों को आरोपी चाकू दिखाकर बोला, जो भी झगड़े में आएगा उसे जान से मार दूंगा। ऐसा बोलकर वहां दहशत निर्माण कर वहां से फरार हो गया। और इस तरह दिन दिहाड़े बड़े बाजार में चाकूबाजी से कुछ देर तक बाजार परिसर में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में इस घटना को लेकर साहिल कुकरेजा के खिलाफ आईपीसी के 307, 504, 506 और फौजदारी कायदा सुधारण अधिनियम 1932 के कलम 7 और महाराष्ट्र पुलिस कायदा कलम 37/1/131 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी साहिल कुकरेजा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी साहिल कुकरेजा पर इससे पहले भी कई गुना पुलिस में दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने साहिल को न्यायालय में हाजिर किया तो न्यायालय ने साहिल कुकरेजा को 12 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सागर से सिकलकर म्हणून उल्लासनगर 3 आदित राहणारा इसम आहे, तो उसने पैसे मांगायला त्याच्या मित्राकडे गेला। साहिल कुकरेजा नावाचा इसम आहे, हा कुख्यात गुंड आहे, 2-4 गुन्हे आहेत त्याच्यावर। त्याने उसने पैसे मागितले म्हणून राग आला आणि सागर सिकलकर याला त्याच्याकडील चाकूने धारदार शस्त्राने मारहाण केली होती, त्याच्यामध्ये गंभीर दुखापत झाली आणि 307 प्रकरण घडल्यामुळे जीवघेणा हल्ला होता, जीव ठार मारण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला दिसल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून साहिल कुकरेजा याला देखील अटक करण्यात आलेली आहे। कोर्टात प्रोड्यूस केलं, दिनांक 12/5 पर्यंत तोही कोठडीत आहे। यापूर्वी आरोपी किती गुन्हे साहिल कुकरेजा याच्यावर 3-4 गुन्हे आहेत यापूर्वीचे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।